हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, जो फीमेल्स हैं, वो अपने आप को कैसे मजबूत कर सकती हैं, वो अपने आत्मविश्वास को, अपनी आत्मसुरक्षा को, अपने सम्मान को और कैसे बढ़ा सकती हैं, अपनी खुशहाली को, अपने सेल्फ डिपेंडेंसी को कैसे बढ़ा सकती हैं। मैं विवेक राठौर, ऑथर एंड न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सपर्ट, अब हम बात करेंगे कि महिलाएं स्वयं को मजबूत कैसे करें। और अगर सही मायने में समझें तो महिलाएं कमज़ोर नहीं है कि उनको मजबूत करने या मजबूत होने की ज़रूरत है। उनको प्रकृति ने बहुत शक्तिशाली बनाया है। उनको जो हमारा जो समाज है, हमारे जो समाज की जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो भारतीय समाज हो चाहे वो हिंदू समाज हो, उसका जो स्ट्रक्चर है उसने उनकी स्ट्रेंथ को और बढ़ाया है, उनके सम्मान को और बढ़ाया है। लेकिन जो हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, इग्नोरेंस की वजह से और भी कई कारण की वजह से, अब उनको जाने अनजाने मजबूत करने के नाम पे कमज़ोर किया जा रहा है। उनकी लाइफ में ज़्यादा सुख लाने के नाम पे उनकी लाइफ में दुख लाया जा रहा है। ये बात थोड़ा सा आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सोचेंगी तो आप इस बात को समझ पाएंगी कि समाज जैसे जैसे हम लोग चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, वो उनके फेवर में जा रही हैं या उनके अगेंस्ट जा रही हैं। तो मैं आपको चार स्टेप शेयर करता हूँ जिसको आप समझ के, प्रैक्टिस करके, अपने व्यवहार में ला के अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार की ज़िंदगी को ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं। आप अपनी जो सामाजिक संरचना है उसको समझें। पूरी दुनिया में इकलौता जो हमारा जो भारतीय समाज है या हमारा जो हिंदू समाज है, उसने स्त्री को और पुरुष को उनके बायोलॉजी के हिसाब से, उनकी शारीरिक संरचना के हिसाब से, उनको बहुत उनकी जिम्मेदारियों को, उनके काम को बहुत अच्छे से बांटा है जो उनकी बायोलॉजी को सपोर्ट करता है। प्रेजेंट टाइम पे हम जो इक्वालिटी या हम लोग जो जैसे कोई मान लीजिए फीमेल मेल को कम्पीट करने की कोशिश कर रही है, इसमें देखिए मेल और फीमेल दोनों अलग एनिमल्स हैं, दोनों डिफरेंट हैं और दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। जैसा हमें भगवान बनाया, हमें उससे बेहतर बनने की अगर हम कोशिश करेंगे तो उससे हम खराब होंगे, बेहतर कभी नहीं हो सकते। तो अपनी सामाजिक संरचना को समझिए। हम लोग के समाज में जिम्मेदारियां बंटी हुई हैं। युद्ध करना पुरुष का काम है, फीमेल को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो उसके उसके बायोलॉजी के हिसाब से, उसके थिंकिंग के हिसाब से, उसके DNA के हिसाब से, उसके ब्रेन के हिसाब से बेस्ट हैं। तो इस चीज़ को जितना आप समझेंगे, जितना आपकी जो जिम्मेदारी है आप उसको जितना समझेंगे, उतना वो आपको उतना आपके खुशहाली में वो आपको कंट्रीब्यूट करेगा। नंबर दो, आपकी जो भी जिम्मेदारी है उसको बखूबी समझें, उसकी कीमत को समझें और उसको अच्छे से अच्छे निभाने की कोशिश करें। जो भी आपकी जिम्मेदारी है, आप एक पत्नी हैं, एक बहू हैं, एक माँ हैं, एक बेटी हैं, आप जो भी हमारे जो सामाजिक संरचना है उसमें जो भी आपको जिम्मेदारी मिली है उसमें ना बहुत खूबसूरती है अगर आप उसको आप राइट वे में परसीव करेंगी। और देखिए, हम लोग लाइफ में कुछ भी करें, कोई भी जिम्मेदारी निभाएं, उसमें सुख और दुख दोनों आएगा। कई बार हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि दुख हटा दें सुख रहने दें, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जितना आप अपनी लाइफ से दुख हटाने की कोशिश करोगे उतना आपकी लाइफ से सुख भी हटता चला जाएगा और उससे भी बड़े दुख में आप चले जाओगे। ये बिल्कुल मैं जो एक्सपीरियंस है आपको बता रहा हूँ, ये आपकी लाइफ का भी एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा आप मी टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा सा आप एनालिसिस करेंगे अपनी लाइफ को तो यही निकल के आएगा। सो द मैसेज इज, आपकी जो भी जिम्मेदारी उसकी उसको बखूबी समझें, उसके महत्व को समझें, उसको निभाने का जो सुख है उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। नंबर तीन, जो भी भटकाने वाली बातें हैं या जो भी टेम्प्रोरी सुख देने वाली बातें हैं उन बातों से बचें। जैसे इस तरह का नारा है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं उनसे बेहतर हूँ, उनसे बेहतर हूँ, ये जो मोटिवेशनल बातें हैं ना जो आपको थोड़े समय के लिए बहुत अच्छा लगता है, ये सब भटकाने वाली बातें हैं, ये सब टेम्प्रोरी बातें हैं। इन सब बातों से बचिए। जो ऑलरेडी जो बेहतर चीज़ है, जो बेहतर स्ट्रक्चर है उसको आप फॉलो कीजिए। इन चीज़ों से जो नेताओं के वादे या जो भी ये जो भी आपको बोलता है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके कि नहीं तुम लड़ो मैं तुम्हारे साथ हूँ, इन सब चीज़ों से जहाँ तक हो बचने की कोशिश कीजिए। और हाँ, कहीं अगर कोई कुछ गलत हो रहा है तो उसका फीमेल मेल सोसाइटी सब अपोज करेगा, सबको अपोज करना चाहिए। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप महिला हैं तो आपका महिला साथ देंगी, आपको पुरुष नहीं समझेगा, ये गलत सोच है। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। जिस विचार ने, जिस संस्कृति ने आपको लंबे समय तक एक सुखद जीवन दिया है
उसको समझें, उसको समझने में समय लगाएं और उसको बल दें, क्योंकि हमारे जो ह्यूमन ब्रेन की ना पूरी हिस्ट्री है हमारे पास, उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं, उससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कब क्या स्ट्रेस लेवल था, कब क्या पीस लेवल था। तो जितनी भी हमारी जो पुरानी चीज़ें रही हैं, जो भी हमारी जो वर्तमान संस्कृति रही है, जिसको मेंटेन करने पे हमारा ध्यान नहीं है, जो चीज़ें अब डिमोलिश हो रही हैं, उनके डिमोलिश होने से हमारे जो परिवार हैं वो बिखर रहे हैं, हमारे बच्चों का जो स्वास्थ्य है, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है, उस पर गलत असर आ रहा है। तो जिस विचार ने, जिस संस्कृति ने, जिस सोच ने आपको लंबे समय तक एक सुखद और खुशहाल जीवन दिया, उसको समझें, उसकी कीमत को समझें, तभी आप उसे बचा पाएंगे। कई बार जो चीज़ें बहुत फैंसी दिखती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत इंपावरिंग लगती हैं, वो टेम्पररी होती हैं। सो आपने यहाँ तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं आपकी खुशी, सफलता और तरक्की के लिए मैं इसी तरीके से मेहनत करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक करें, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करे। और बहुत बहुत थैंक यू।